आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ये चेक करना नहीं आता है कि कौन सा चैनल कितना अर्निंग करता है, यानी कितना कमाता है, उसके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर आते हैं, कितने व्यूज आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। ये सब जो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सब चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, अगर आपका चैनल नया नया है, अगर आपको ये चेक करने नहीं आता है कि आपका चैनल कितना अर्निंग करता है या किसी का चैनल कितना अर्निंग करता है, वीकली, मंथली या ईयरली कितना इनकम कर रहा है, कितना कमा रहा है, उसके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर आते हैं, उसके चैनल पे कितना व्यूज आते हैं, अगर आपको ये सब चेक करना नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ बताया हूँ कि कैसे आप ये सब कर पाएंगे। आप जो है तीन चैनल को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि किसका चैनल कितना अर्निंग कर रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब डिटेल्स में बताया हूँ। मैं आपको लाइव दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो लाइव देखेंगे, मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ। अगर आपका सब्सक्राइबर घटेगा तो वो भी आप लाइव देखेंगे कि किस तरीके से सब्सक्राइबर घट जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारा कुछ दिखाया हूँ, कौन सा चैनल कितना इनकम करता है, कितना चैनल पर सब्सक्राइबर है, कितना चैनल पे व्यूज है और कैसे व्यूज आता है, वो मैं आपको ग्राफ में भी दिखाया हूँ। कौन सा कंट्री का चैनल है, कौन सा ग्रेड है चैनल का, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। तो शायद ही आपको कोई इतना डिटेल में आपको बताया होगा। और मैं आपको तीन चैनल को कंपेयर करके भी दिखाया कि कौन सा चैनल कितना इनकम करता है, उस चैनल पे कितना व्यूज है, कितना सब्सक्राइबर है, सिक्स मंथ में तीनों चैनल का कितना इनकम है, ईयरली कितना इनकम है, पाँच साल के बाद कितना इनकम है तीनों चैनल का। तो मैं वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। शायद ही आप ऐसा वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको इतना डिटेल में आपको शायद ही कोई बताया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है चैनल को कंपेयर करेंगे, किसके चैनल पे कितना व्यूज है, कितना सब्सक्राइबर है, कितना अर्निंग है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। आप लाइव भी देखेंगे कि कौन सा चैनल पे कितना सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आपको भी जानना है कि कौन सा चैनल कितना इनकम करता है, कितना सब्सक्राइबर है, कितना व्यूज आते हैं। तो ये वीडियो भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा चैनल कितना इनकम करता है, उसके चैनल पे कितना व्यूज आते हैं, कितना सब्सक्राइबर आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है socialblade.com। यहाँ पर देखिए socialblade.com आ चुका है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए socialblade.com का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं यूट्यूब का नेम, ट्विटर का नेम, यहाँ पे इंस्टाग्राम का नेम या डेली मोशन का नाम डाल के आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं तो वो चैनल आपके सामने में ओपन होके आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल अकाउंट जो है सोशल ब्लेड पर इतना बना हुआ है 86.5 मिलियन। इसी तरीके से देख रहे हैं यूट्यूब क्रिएटर्स जो है 55.6 मिलियन। यहाँ पर देख रहे हैं स्विच स्ट्रीम पे यहाँ पे इतना मिलियन है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और डेली मोशन पे जो है इतना और टिकटॉक पे इतना जो है आपको सब्सक्राइबर यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है कोई भी एक चैनल का नाम डाल के सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डाला जूम चैनल, इसके बाद यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो है ये चैनल आ चुका है और यहाँ पे देखिए इतने सब्सक्राइबर है, यहाँ इतने वीडियो पे सब जो व्यूज आया है वीडियो पे और यहाँ पे दो वीडियो अपलोड है। तो यहाँ चैनल वाले पे क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा बायोडाटा आपके सामने में ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अपलोड जो है दो वीडियो है, सब्सक्राइबर जो है इसका 4070 जो है सब्सक्राइबर है,
वीडियो पे जो व्यूज है इतना है, यहाँ पे कंट्री नोट शो कर रहा है, और यहाँ पे देखिए हैं कि यूजर क्रिएट जो इतना है यहाँ पे जनवरी 19 में। इसी तरीके से जो है आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे देखिए जो इसका जो ग्रेड है वो बी ग्रेड है। यहाँ पे सोशल अपडेट पर रैंक इतना है, यहाँ पे सब्सक्राइबर का जो रैंक है इतना है, इसके बाद यहाँ पे वीडियो रैंक आपको इतना मिल जाता है। इसी तरीके से कंट्री नहीं डाला हुआ तो कंट्री नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर फॉर लास्ट 30 डे में जो कितना है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर अर्निंग इसका देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है 6 से लेकर 88 तक इसका जो है अर्निंग है। इसी तरीके से वीडियो व्यूज पर जो है लास्ट 30 डे में कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे जो है रेड में शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल सब्सक्राइबर वीकली कितना है वो आपको इसमें आपको ग्राफ में मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एस्टिमेशन अर्ली अर्निंग कितना है इसका, वो आपको यहाँ पे आपको साल भर का अर्निंग शो कर देता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट, सब्सक्राइबर, वीडियो पे कितना व्यूज है, और यहाँ पे जो इसका अर्निंग है वो कितना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डेट में यहाँ पर जो सब्सक्राइबर इसको इतना हुआ है, वीडियो पे व्यूज इतना हुआ है, और इसका जो है एस्टिमेशन अर्निंग आपको इतना हो गया है। इसी तरीके से डेट बाय डेट है कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो आपको इस चार्ट में आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारा आपको यहाँ पर व्यूज में जो वीडियो मिल जाता है, सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि वीडियो पे व्यूज कितना है वो आप इस ग्राफ में आपको शो कर देता है। इसी तरीके से सब्सक्राइबर कितना है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ लाइव वाले पे क्लिक करके आप इसका जो लाइव देख सकते हैं कि कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ लाइव वाले पे क्लिक कीजिएगा। लाइव वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि जो इसका टोटल सब्सक्राइबर है वो लाइव यहाँ पे है। अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है 70 है तो 71 हो जाएगा, अगर घटेगा तो 69 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इस चैनल का जो है लाभ देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, और इस तरीके से गाइस जो है यहाँ पे उस सब चैनल का जो है आप नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा चैनल का नाम डालना है तो ऐसे ऊपर जाइएगा, और यहाँ पे आपको जो भी चैनल का नाम डालना है यहाँ पर डाल करके सर्च करके देख सकते हैं। चलिए हम एक दूसरा चैनल का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डाल चुका हूँ ईशान मॉनिटर। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सर्च वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ईशान मॉनिटर का यहाँ पे चैनल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि वीडियो जो अपलोड किया है 496, सब्सक्राइबर जो है इतना मिलियन है, वीडियो व्यूज आया है इतना, कंट्री इंडिया है, चैनल टाइप कौन सा है वो टेक्निकल है, तो यहाँ पर टेक लिख रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं यूजर क्रिएटर मार्च 6, 2018। इसी तरीके से कौन सा ग्रेड है वो आपको यहाँ पर शो कर देता है। यहाँ पर देख रहे सोशल बेड पर रैंक क्या है वो यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर का रैंक क्या है वो आपको यहाँ पर शो कर देता है। इसी तरीके से वीडियो का क्या रैंक है वो आपको यहाँ शो कर देता है। कौन सा कंट्री है वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे टेक का टेक्नोलॉजी पे कितना रैंक है वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर का लास्ट 30 डे में कितना बढ़ा है, घाटा, वो आप यहाँ शो करता है। इसका अर्निंग क्या है पर मंथ वो यहाँ शो करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वीडियो पे कितना व्यूज है वो यहाँ पे आपको लास्ट 30 डे में यहाँ पे शो करता है। यहाँ पर टोटल सब्सक्राइबर जो है वीकली कितना है वो आपको ग्राफ में मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि साल में कितना कमा रहा है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस तरीके से टोटल व्यूज जो है यहाँ पे आपको वीकली यहाँ पे ग्राफ में मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे डेट, सब्सक्राइबर, वीडियो पे व्यूज, और यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे आपको जो डे शो करता है मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइबर है कितना मिलियन में है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो शो करता है। वीडियो में कितना व्यूज आया वो आपको यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे कितना जो वीडियो अपलोड है वो इस तरीके से यहाँ पे शो करता जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डेली एवरेज कितना है, वीकली एवरेज कितना है, और यहाँ पर लास्ट 30 डे में कितना एवरेज है वो आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ पर देखिए वीडियो व्यूज कितना है वो आपको यहाँ पे वीडियो व्यूज मिल जाता है, कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। इसी तरीके से सब्सक्राइबर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आपको इस ग्राफ में जो है शो कर देता है। अगर आपको लाइव देखना है कि जो इस चैनल का जो है सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, घट रहा है, अगर आपको लाइव देखना है तो यहाँ लाइव वाला जो दिख रहे हैं लिख रखा है लाइव, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो है इतना सब्सक्राइबर है, अगर बढ़ेगा तो इस तरीके से ऊपर चल जाएगा, अगर घटेगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो है इस चैनल का जो है आप जो लाइव भी देख सकते हैं कि जो ये चैनल है इसका जो कितना सब्सक्राइबर है। चलिए हम यहाँ से जो बैक आ जाते हैं। अगर आपको दो तीन चैनल को एक साथ कंपेयर करना है तो उसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता होगा कंपेयर का, कंपेयर वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कंपेयर यूट्यूब चैनल करना चाहते हैं, या कंपेयर स्विच चैनल करना चाहते हैं, या कंपेयर ट्विटर प्रोफाइल को करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल को कंपेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कंपेयर यूट्यूब चैनल पर क्लिक करूँगा।
जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप एक साथ तीन चैनल को यहाँ पर डाल के यहाँ पर कंपेयर चैनल पर क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ फटाफट से तीन चैनल का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर शान मोनिटर, जूम चैनल और ताज़ा खबर डाल दिया हूँ, यह तीन चैनल। मैं यहाँ कंपेयर चैनल वाले क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आ चुका है ईशान मोनिटर, यहाँ पर जूम और यहाँ पर देखिए ताज़ा खबर का तीन चैनल आ चुका है। यहाँ पर तीनों चैनल को जो है आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जो सब्सक्राइबर और व्यूज जो है कितना है वो आपको ये ग्राफ में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेड वाला है, यहाँ रेड वाला जो ईशान मोनिटर का है, इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू वाला जो है आपको यहाँ जो डॉट डॉट है, डॉट के नीचे वाले जो लाइनिंग है वो जो है जूम चैनल, और ऊपर का जो बैंगनी देख रहे हैं आपको बैंगनी कलर का शो हो रहा है वो है ताज़ा खबर का। ये तीन आपको यहाँ पर लाइनिंग शो हो रहा है इसका जो इस ग्राफ में जो आप देख सकते हैं ईशान मोनिटर, जूम और ताज़ा खबर का, ठीक है। इसकी तरह से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर सब्सक्राइबर का जो रैंक है वो आपको इतना मिल जाता है। इसी तरीके से आपको जो है ईशान मोनिटर का मिल जाता है, जूम का मिल जाता है और यहाँ पे ताज़ा खबर का आपको मिल जाता है। इसी तरीके से आपको व्यूज रैंक आपको इतना है और इस चैनल पे इतना है और इस चैनल पे जो आपको इतना है। इसी तरीके से सब्सक्राइबर कितना है आपको यहाँ पर ईशान मोनिटर पर इतना है, जूम पर इतना है और ताज़ा खबर पर इतना सब्सक्राइबर है। यहाँ पर देखिए वीडियो व्यूज कितना है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से वीडियो अपलोड कितना किया गया है, यहाँ पर देखिए ईशान मोनिटर पर 496, जूम पर 2 और यहाँ पर देखिए ताज़ा खबर पर 230 वीडियो अपलोड किया गया है। सो गाइस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अर्निंग कितना है। यहाँ पर डेली अर्निंग जो है ईशान मोनिटर का इतना है, जूम का इतना है और ताज़ा खबर का इतना है। यहाँ मंथली आपका अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर ईशान मोनिटर का इतना है, जूम का इतना है, ताज़ा खबर का इतना है। यहाँ पर ईयरली बात करें तो यहाँ पर ईशान मोनिटर का इतना है, जूम का इतना है और ताज़ा खबर का इतना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर और यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका एवरेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे डेली एवरेज सब्सक्राइबर का तीनों चैनल का देख सकते हैं और यहाँ पे जो है डेली एवरेज जो व्यूज़ है वह चैनल का, ये तीनों चैनल की यहाँ पर व्यूज़ भी देख सकते हैं डेली कितना व्यूज़ आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इसी तरीके से आपको जो है तीनों चैनल का ग्राफ मिल जाता है, यहाँ पर ईशान मोनिटर, जूम और ताज़ा खबर का। तो यहाँ पर देखिए लाइन के नीचे आपको जो शो हो रहा होगा वो जो है आपको रेड वाला जो ईशान मोनिटर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ब्लू वाला जो शो कर रहा है इसके नीचे एक बीच में है वो आपको जो जूम है और यहाँ बैंगनी जो है वो आपको ताज़ा खबर का है। इसी तरीके से फ्यूचर पर की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर 6 मंथ, सब्सक्राइबर 2 ईयर और सब्सक्राइबर 5 ईयर तक आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से व्यूज 6 मंथ, 2 ईयर और 5 ईयर का आप जो है व्यूज भी देख सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी चैनल का सब्सक्राइबर कितना व्यूज है, कितना अर्निंग है आप जो है कंपेयर करके भी देख सकते हैं, या इसको निकाल के यहाँ पे उस चैनल का नाम डालेंगे और आप जो है देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई और चैनल का नाम डाल देता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आज तक का नाम डाला हूँ, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा तो जी जो है आज तक का जितने जो चैनल है आज तक का यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए ये चैनल है, यहाँ पे देखें कि जो अपलोड है वीडियो इतना है, सब्सक्राइबर यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना मिलियन है, यहाँ पे वीडियो व्यूज आया है इतना, कंट्री इंडिया, यहाँ पे चैनल टाइप है न्यूज और यहाँ पे देख रहे हैं यूजर क्रिएटर जो है इतना है। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं टोटल ग्रेड जो है ए है इसको मिला हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोशल ब्लेड जो रैंक है यहाँ पे इतना है, सब्सक्राइबर का जो रैंक है इतना है और वीडियो जो रैंक है इतना है, कंट्री जो है आपको यहाँ इतना देख रहे हैं, कंट्री रैंक जो है 9th है और यहाँ पे न्यूज रैंक है 1st है। इसी तरीके से इसका टोटल आप कुछ देख सकते हैं कि कितना जो है इसका जो है मंथली अर्निंग है और यहाँ पर सब्सक्राइबर का जो अर्निंग लास्ट 30 डे में देख सकते हैं और यहाँ पर जो वीडियो का जो व्यूज है वो लास्ट 30 डे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है डेट, सब्सक्राइबर, वीडियो व्यूज, यहाँ पर एस्टिमेट अर्निंग यहाँ से शो आपको हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने कौन सा डेट में कितना जो है इसका सब्सक्राइबर आता है और यहाँ पे जो है वीडियो व्यूज कितना कौन सा डेट में आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एवरेज यहाँ से देख सकते हैं, वीकली एवरेज और लास्ट 30 डे में जो भी एवरेज आया है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ग्राफ के द्वारा भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना व्यूज आया है वीडियो पे और कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है वो आप ग्राफ में देख सकते हैं। अगर आपको लाइव देखना है कि इसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है घट रहा है तो यहाँ लाइव वाले पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आज तक का जो इतना है सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो बढ़ेगा तो इसको जो आपको जो ऊपर चल जाएगा, घटेगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप जो है
है इसका जो है सब्सक्राइबर जो है लाइव देख सकते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद गाइज आप जो भी चैनल का सर्च करना चाहते हैं बस नाम डाल के यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करेंगे या इंटर मारेंगे। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो आपके सामने ये चैनल यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा और वो चैनल का आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं कि जो वो चैनल का क्या है, नहीं है, कितना वीडियो अपलोड है, कितना सब्सक्राइबर है, कितना वीडियो व्यूज आया है, कौन सा कंट्री है, कौन सा चैनल टाइप है, इसके बाद चैनल कब चालू किया गया है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसका अर्निंग आपको मिल जाता है कि कितना अर्निंग ये जो है चैनल करता है। तो गाइज मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप किसी भी चैनल का अर्निंग, उस चैनल पे कितना सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर जा रहे हैं, उस चैनल पे कितना व्यूज आ रहे हैं पर डे, वीकली, मंथली, इसी तरीके से उस चैनल का अर्निंग भी देख सकते हैं वीकली, मंथली और ईयरली। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से किसी भी चैनल का अर्निंग कैसे चेक किया जाता है, उस चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज है, उसको कैसे चेक किया जाता है, लाइव कैसे आप चेक करेंगे कि उसके चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो सब आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।